दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित 41 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टेट सी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस बार आपके यूपी टेट के सिलेबस में भारतीय संविधान को ऐड कर दिया गया पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत, तो इससे मान के चलिए आप लोग 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित आएंगे। और ये बिल्कुल छोटे छोटे 41 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक ही बार में आपको क्वेश्चन रट जाएंगे बिल्कुल। तो इन क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन निश्चित फंस जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अलग अलग प्रसिद्धि बुक्स से छाँट कर इन क्वेश्चन को रखा हुआ है, तो दोस्तों देखिएगा, अंत तक देख के समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, और अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान क्या है? संविधान उन आधारभूत नियमों व कानूनों का संगठन है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि संविधान क्या होता है? संविधान में के अंतर्गत ऐसे नियम और कानून रखे गए हैं, सभी नियमों और कानूनों का संगठन होता है ये, जिसके आधार पर किसी देश पर शासन चलाया जाता है, उस पर नियम लागू किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, और जो भी नए कानून नियम जो कुछ भी होता है वो सभी इसी संविधान के अंतर्गत आते हैं, इसी को संविधान कहा जाता है। वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए बता दिया कि संविधान होता क्या है आखिर। तो अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, जो जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रारंभ होते हैं, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई थी और संविधान को बनाने को लेकर कई बातें की गई थी। मतलब ये बिल्कुल प्रथम बैठक थी, पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या अस्थायी बनाए गए थे? ये चीज़ याद रखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पहली बैठक में कौन बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें। इसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब और किसे बनाया गया? तो दोस्तों इसकी दूसरी जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक 2 दिन बाद, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। जो संविधान सभा बनाई गई थी इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अंतर्गत कई समितियां बनाई गई थी, जिनमें से सबसे प्रमुख समिति जो होती है वो थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इस समिति में 7 सदस्य और थे। तो ये चीज आप लोग जान लीजिए, दोनों चीजें, कितने सदस्य थे टोटल? तो इसमें 7 सदस्य और थे, और अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए थे। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, स्वतंत्र भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन दोस्तों 1930 में 26 जनवरी को एक शपथ ली गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की, जिसके आधार पर इन लोगों ने निश्चय किया कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू होगा, और इसी दिन संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे गणतंत्र दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे? तो दोस्तों उस समय जब संविधान बनाया गया था तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे इसके, और 8 अनुसूचियां थीं। ज्यादातर यही पूछा जाता कि इस संविधान बनाने के समय कितने अनुच्छेद थे, और यदि आपसे पूछा जाता कि वर्तमान समय में कितने, वर्तमान समय में 450 लगभग अनुच्छेद हैं। लगभग मैंने आपको बता दिया, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप लोग सोच रहे हो मैंने गलत बता दिया। तो दोस्तों लगभग 450 अनुच्छेद हैं, इसके बाद 25 भाग हैं इसके, और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं और 450 अनुच्छेद हैं, और उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। याद कर लीजिए दोनों चीज़ें आप लोग। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, संविधान की कुंजी या आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान का पूरा जो सार है
है, पूरा जो उसमें बात कही गई हर चीज को इसमें प्रस्तावना में इस प्रकार से बताया गया है कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। कहा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेगा वो संविधान को समझ जाएगा, इसीलिए इसे संविधान की कुंजिया आत्मा कहा जाता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं बाई चांस आपसे पूछ दिया जाता है। यहाँ देखिए लोकतंत्रात्मक लिखा हुआ, कहीं यहाँ पर दे दिया जाता है कि राजा के द्वारा शासन किया जाता है, प्रजा वैसा शासन है यहाँ पर, तो वो वाला ऑप्शन आपको गलत कर देना है। तो क्या क्या विशेषताएं, अत्यंत विस्तृत एवं व्यापक संविधान है, एक एक चीज को पॉइंट वाइज लिखा गया है। अगला है संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी कि लोकतांत्रिक राज्य है, प्रजातांत्रिक राज्य है, प्रजा के द्वारा राजा को प्रधानमंत्री को चुना जाता है। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था, यहाँ पर संसद की व्यवस्था है और संसद के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों के बहुमत के द्वारा नियम बनाए जाते हैं और नियमों का पालन किया जाता है। अगला मूल अधिकारों की व्यवस्था है, प्रत्येक नागरिक के अपने मूल अधिकार होते हैं, इनका भी वर्णन किया गया, ये इसकी विशेषताओं में से एक है। और अगला मेन पॉइंट है धर्म निरपेक्ष राज्य है। तो दोस्तों ये इसकी विशेषताएं हो गई। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने। तो दोस्तों संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 बताए गए मौलिक अधिकार, याद कर लीजिए आप लोग। और कौन कौन से, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और इसके बाद में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि ये कुल 6 मूल अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। इनके आप लोग नाम याद कर लीजिए, ज़्यादा विस्तृत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछे जाएंगे तो इनमें से कोई आपको नाम दे दिया जाएगा, एक गलत दे दिया जाएगा, वही आपको उसमें चूज करना होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन पर, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। तो दोस्तों सूचना का अधिकार भी इसके अंतर्गत बनाया गया था, लेकिन ये कब लागू किया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में 15 जून 2005 को पारित किया गया और अक्टूबर में लागू कर दिया गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग, RTI, आपने नाम सुना होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको 10 रुपए का स्टाम्प लेकर उस पर उसकी जानकारी मांग सकते हैं, और यदि ये जानकारी नहीं दी जाती तो आप लोग उचित कार्रवाई भी करवा सकते हैं। तो ये RTI का नियम बनाया गया था, कब बनाया गया था, 15 जून 2005 को बनाया गया था और अक्टूबर 2005 में ही लागू कर दिया गया था। और दोस्तों इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक RTE 2009 है और एक RTI 2005 है। RTE 2009 क्या, राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार है, और ये सूचना का अधिकार है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, याद रखिए दोनों को। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार क्या है। तो दोस्तों सूचना का अधिकार क्या होता है, सूचना के अधिकार से ऐसे उस वैधानिक अधिकार से है जो किसी देश के लोगों को सरकारी कार्यों संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने तथा पहुंच के अवसर प्रदान करता है। यानी कि हम किसी भी सरकारी कार्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन, मूल कर्तव्य क्या है। तो मूल कर्तव्य क्या है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में किया गया था, के द्वारा संविधान में 10 मूल कर्तव्य लिए गए, लेकिन 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो दोस्तों इससे आपसे एक क्वेश्चन बनता है, ये पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य कितने हैं। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, इसके पहले कितने थे, 10 थे, लेकिन मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। 1976 में जो 42वां संशोधन किया गया था उसमें 10 मूल कर्तव्य बताए गए थे, इसके बाद 86वें संशोधन में एक और जोड़कर कुल 11 मूल कर्तव्य कर दिए गए थे, याद रखिए आप लोग। अब देख लेते हैं कुछ मूल कर्तव्य कौन कौन से, इनको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो मूल कर्तव्यों को बताइए। तो ये दोस्तों निम्न है, पहला क्या, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें, एक ये हो गया। इसके बाद अगला है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाएं। इसके बाद अगला पॉइंट है देश की रक्षा करें व आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। और अगला कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें व हिंसा से दूर रहें। तो दोस्तों ये मैंने आपको 4 मूल कर्तव्य बता दिए, इसके अलावा अन्य भी होते हैं, लेकिन ये 4 आप लोग याद कर लीजिए। और टोटल कितने हैं, 11 हैं। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। आप बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए आप लोग। तो इस समय कौन है मुख्य न्यायाधीश? ये जस्टिस रंजन गोगोई हैं, जो कि 46वें मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। अभी पिछले महीने 2 अक्टूबर को वो पुराने न्यायाधीश रिटायर हो गए थे, उन्हीं के स्थान पर इनको बनाया गया है। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है, इनके पहले कौन मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2 अक्टूबर को भी रिटायरमेंट लिया है? उनका नाम आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देते रहें, अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर दे दें ताकि मुझे पता चलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें या उसमें से क्वेश्चन निश्चित पूछा जाएगा, या वर्तमान पूछ सकते हैं या पिछले वाले पूछ सकते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों ये 35 वर्ष है, न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए, याद कर लीजिए आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया कि भारत में कुल 22 भाषाएँ हैं जो कि संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में की गई हैं, याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है 22 हैं या फिर 19 हैं, कितनी है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पिछली बार पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, और लिखित परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग तैयार कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, 20 नंबर क्वेश्चन पर, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि सूची क्या होती है, संघ सूची क्या होती है। तो दोस्तों केंद्र सूची होती है, इसी को संघ सूची कहा जाता है। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, जिनका जिन पर पूर्णतः केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंडर में जो सूचियां होती हैं, जो विषय होते हैं, उन्हें संघ सूची या केंद्र सूची में रखा जाता है। जो राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, यानी कि जिन पर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है, वो राज्य सूची में रखे जाते हैं। और इसके बाद आती है संवर्ती सूची, जिनमें कि दोनों का अधिकार होता है और दोनों इसमें आय व्यय करते हैं, वो संवर्ती सूची होती है। तो दोस्तों वर्तमान समय में कुल 99 विषय हैं संघ सूची में, लगभग बता रहे हैं दोस्तों, एक दो ऊपर नीचे भी दिए जा सकते हैं। तो 99 विषय हैं संघ सूची में, यानी कि केंद्र सूची में। इसके बाद संवर्ती सूची क्या होती है? संवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व होता है, दोनों इस पर खर्च करते हैं। और तो इसमें कुल 47 विषय हैं, कितने हैं संवर्ती सूची में? 47 हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है राज्य सूची में, तो 99 का उल्टा कर दीजिए, यानी कि 66 विषय हैं वो हैं राज्य सूची के अंतर्गत। ये तीनों लगभग में बताए जा रहे हैं। तो इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही खर्च करते हैं और इस पर व्यय करते हैं, इस पर प्रतिनिधित्व करते हैं, ये संवर्ती सूची का हिस्सा है। इसके बाद भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, कक्षा 1 का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो दोस्तों 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ये दोनों संसद के सदन होते हैं, और इन्हीं में देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो यहीं पर बैठकर चर्चा करते हैं, नियम लागू करते हैं, कानून बनाते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन है, कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति समय कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी हैं। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उच्च सदन जो होता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, राज्यसभा उच्च सदन होता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु जो होती है राज्यसभा की सदस्यता के लिए, वो 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। और इसके 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता? तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसमें कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का, याद कर लीजिए आप लोग। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों ये 12 सदस्य होते हैं कुल, जो कि अपने अपने क्षेत्र से लिए जाते हैं, कोई कोई खेल के क्षेत्र से, कोई संगीत के क्षेत्र से, यानी कि अलग विशेष क्षेत्रों से लिए जाने वाले 12 ये सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये याद कर लीजिए आप लोग, राज्यसभा में चुने जाते हैं सब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 545 है, कहीं कहीं आपको 543+2 होंगी, यानी कि 2 ये अलग से चुने जाते हैं और 543 सदस्य होते हैं। और इनकी एज कितनी होती है, ये मैंने आपको बताई थी, 25 वर्ष की एज कंप्लीट कर चुके हों तभी ये लोग चुने जा सकते हैं, ये इसके
इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, और इनका कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। दोनों चीज़ें आप लोग समझ लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, संसद के निम्न सदन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा जो होता है संसद का निम्न सदन होता है, और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होती है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपनी मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश से ली है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है मंत्रिमंडल प्रणाली जो है, क्योंकि भारत का संविधान जो है ये कई देशों के संविधानों से मिलकर बना हुआ है, और इसमें कई देशों के संविधानों का जो मुख्य पॉइंट थे यानी कि जो इम्पोर्टेंट थे और उनके देश में अच्छी बात थी, उन चीज़ों को शामिल किया गया है। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, संविधान का अभी एक पार्ट मैं और लेकर आऊँगा, उसमें आपको ये जो संविधान के अलग अलग पार्ट हैं इनके बारे में चर्चा करें, और इसके अलावा जो अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट यानी कि जो लगभग 10 से 12 अनुच्छेद हैं जो आप लोगों को पढ़ने होंगे, और ये अनुच्छेद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का अनुच्छेद निश्चित पूछा जाएगा, और अब तो साफ साफ संविधान टॉपिक ऐड कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये 25 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होती है जो लोकसभा की सदस्यता के लिए होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहां पर प्रस्तुत होता है? ये सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को, उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितनी आयु तक होता है? तो दोस्तों ये 65 वर्ष की आयु तक होता है, इसी वजह से जिसकी 65 वर्ष आयु कंप्लीट हो जाती है उन्हें उस पद से रिटायरमेंट लेना पड़ता है और उनके स्थान पर नए न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, और इस समय 46वें न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। अभी मैंने ऊपर आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे व बैंक किस सूची में आते हैं? तो दोस्तों केंद्र सूची में आते हैं यानी कि संघ सूची में आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको संघ सूची दिया वो मिलेगा, केंद्र सूची नहीं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, केंद्र सूची को ही संघ सूची कहा जाता है, और रेलवे और बैंक जो है ये इसी में आते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि UPTET की तैयारी के लिए मैं आपके लिए डेली 3 वीडियोस लाता रहता हूं, एक सुबह आती है, एक दोपहर को और एक शाम को। इसमें आपके 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी 200 क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हें आप लोग अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए, और सभी के आंसर जरूर देते रहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में गए, वहां से आप लोग सभी मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, या UPTET 2018 नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर, खेती व सिंचाई की सूची के विषय हैं? तो दोस्तों ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, याद कर लीजिए, राज्य सूची में कौन कौन, खेती सिंचाई हो गया, केंद्र सूची में बैंक और रेलवे हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोग याद कर लीजिए, इन्हीं में से पूछा जाता है ज्यादातर, और कुछ नहीं आएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वस्तु व सेवा कर यानी कि GST लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था GST, जो कि भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया था। अब इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा। अब अगला क्वेश्चन है, संसद क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है, यानी कि इन सभी का जो समूह होता है उसे संसद कहा जाता है, जिसमें नए नए नियमों पर चर्चा की जाती है, विधेयक लाए जाते हैं और अधिनियम बनाए जाते हैं, ये संसद के अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो दोस्तों आज ये आपके 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो कि संविधान से संबंधित हैं। इसके आगे दोस्तों हम लोग अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें अनुच्छेद होंगे आपके इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा जो अन्य कुछ पॉइंट रह गए हैं जहां से संविधान से संबंधित कुछ अन्य देशों से जो नियम लिए गए वो सभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यदि आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी आपको ये भी बताना मत भूलिएगा। आज के पार्ट में इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।